बॉलीवुड सिनेमा के वो सितारे जो कि 2020 में कोविड 19 को है, उन नामों में सबसे बड़े नामों में आता है जो कि इस वक्त 2020 में कोरोना को हरा कर अपने आप जी आपको बता बीस को कोरोना के प्रकोप की वजह से याद किया। साथ ही कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में लोगों को घर में रहना पड़ा, उसके बाद कोरोना वायरस ने करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। ना आम लोग इससे बच सक पाए ना ही सितारे। आज हम आपको बताने किन किन सेलिब्रिटीज को कोरोना के साथ लड़ना पड़ा, तो जानते हैं कौन कौन से इस लिस्ट में शामिल है। सबसे पहले नंबर पर अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अपने पॉजिटिव होने की जानकारी अमिताभ ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी थी। अभिषेक बच्चन, वो भी उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी थी कोरोना पॉजिटिव उनका निकला। किरण कुमार, उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, हालांकि उन्हें कोरोना को कोई लक्षण नहीं थे, वह सामान्य चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। कनिका कपूर, उनको शुरुआत के दौर में ही कोरोना पॉजिटिव निकल गया था, जिसके कारण उन्हें लंदन से भारत आने के बावजूद कोरोना को लेकर उन्हें ठीक किया गया था, जिसके कारण उन्हें लखनऊ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। करीम मोरानी, ये भी कोरोना पॉजिटिव थे। सनी देओल, ये भी कोरोना को पॉजिटिव में आए थे। अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, ये भी कोरोना पॉजिटिव थे। साथ ही कृति सैनन कोरोना पॉजिटिव, वरुण धवन कोरोना पॉजिटिव, नीतू ऋषि कपूर के पत्नी है वो भी कोरोना पॉजिटिव थी। तो बॉलीवुड की ये तमाम हस्तियां जो कि कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके कारण उन्हें अस्पताल के चक्कर काटने पड़े और क्वारंटाइन का फायदा उठाना पड़ा, जिसके कारण अब ये लोग सही हैं। तो आपको बता दें कि 2020 खत्म होते होते ये सारे एक्टर्स जो कि कोरोना को हरा कर अपने आप को जिताया है। तो आप भी यदि कोरोना से डर रहे हैं तो डरिए नहीं, लड़िए, क्योंकि हाथ में साबुन लगाइए या फिर सैनिटाइजर यूज कीजिए और मुंह में मास्क लगाकर ही चले, ताकि आपको कोरोना से बचाव किया जाए, ताकि आप कोरोना से बच सके, क्योंकि भारत इस वक्त पूरा कोरोना से बचने का प्रयास कर रहा है। तो आप भी बचिए। तब तक के लिए वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।